एक कप चना दाल, एक कप न्यूट्रीनेगेट, दो प्याज, 8 से 10 कली लहसुन की, और ये है कुछ खड़े मसाले और थोड़ा सा नमक। ये सब डाल के 4 से 6 सीटी प्रेशर कुक करना है। इसको सबसे पहले आधे आधे घंटे के इसको भिगो दीजिएगा, आधा घंटा ये आधा घंटा चने की दाल। उसके बाद न्यूट्रीनेगेट का सारा पानी निकाल के प्रेशर कुकर में डालिए, चने की दाल का पानी निकाल के प्रेशर कुकर में डालिए। उसमें 2 टोन नॉर्मल रफली कट अनियन जाएगा, 8 से 10 लहसुन जाएगा, थोड़ी सी अदरक जाएगी और 1 हरी मिर्ची, और साथ में ये जाएगा खड़ा मसाला, जो कि हम लोग लाइव कर रहे हैं तो ये इतना करना पॉसिबल नहीं है, हमने ये पहले से ही करके रखा है। ये ऐसे मिक्सचर निकलेगा जो कि हमने इसको पीसा है। इसको आधा कप पानी सिर्फ डालना है, आधे कप पानी डाल के 4 से 6 प्रेशर लगाइएगा और दाल एकदम अच्छे से गल जाएगी और न्यूट्रीनेगेट भी। उसके बाद उसको अगर पानी होगा तो आप उसको थोड़ा सा और उसको कुक करके इवेपोरेट कर दीजिएगा, पानी नहीं होगा तो उसको निकाल के एक थाली में ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद उसको मिक्सी में पीस लीजिए, पीसने के बाद आपको ऐसी क्वांटिटी मिलेगी। देखिए ये ना बहुत सूखा है ना बहुत गीला है, हम बिना पानी डाले ही पीसना है, ठीक। ये हमने प्रिपेयर करके रखा है। आगे की इसकी हम आपको इंग्रेडिएंट्स और दिखाते हैं, जब तक में हम अपना ऑयल गरम करने को रख देते हैं। इसमें जाएगा ये पुदीना जो कि बारीक कटा है, हरा धनिया, ये महीन चॉप्ड प्याज, हरी मिर्ची महीन कटी हुई, नींबू का रस। नींबू का रस अवॉइड करना कर दीजिए, बट नींबू का रस डालेंगे तो टेस्ट बहुत एनहांस करेगा। और ये गरम मसाले का पाउडर, घर का गरम मसाला बना हुआ है उसका पाउडर है, खड़ा का सब गरम मसाला तो हम लोग ने डाला ही था। और इसको पीसते वक्त ना तेज पत्ता जो है वो बस निकाल दीजिएगा और सब कुछ इसके साथ पीस लीजिएगा। और ये थोड़ा सा नमक, चूंकि हम लोग ने प्रेशर कुक करते टाइम थोड़ा सा नमक डाले थे, इसीलिए इसमें थोड़ा सा हल्का ही नमक डाल रहे हैं। इसके साथ हमने करौंदा और किशमिश की चटनी बनाई है, और करौंदा, किशमिश, पुदीना, धनिया, लहसुन, अदरक और नमक, जीरा, काला नमक और सफेद नमक।